कबूल होती है। एक बार आप तय कर लो कि आपको क्या करना है जिंदगी का ये टाइम। आप सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बेटो, मेरी बेटियों, जिंदगी का ये वक्त फिर से दोबारा नहीं आएगा। अगर हमें फिर से ये वक्त जो आपके हैं 20-22 साल की उम्र मुझे मिल जाए तो मैं अपनी IPS की डिग्री कुर्बान करने को तैयार हूँ। और ये साजी साहब भी अगर उनको 18 साल में बना दे तो अभी भी वो IAS की डिग्री भी छोड़ने को तैयार है। क्यों? कि जिस मौके पर, जिस वक्त पर आप हैं वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम है। और इस टाइम का आप क्या इस्तेमाल करते हो, एक एक मिनट आपकी कीमती है। किसी ने कहा कि न समझ बाकी इन जिंदगी के लम्हों को, पल गुजरते हैं ना, हम ये चलते हैं, हम कुछ न्यूज पढ़ते हैं, कुछ फोकस पिक्चर देख लेते हैं, सब कुछ अवेलेबल है नेट पर। हम क्या समझते हैं कि शाम को देखूंगा, कल देखूंगा, परसों जाऊंगा, फिर सोमवार को फॉर्म भरूंगा। न समझ हकीम इन जिंदगी के लम्हों को। अरे इन्हीं से तो जमाने बनाए जाते, तो पूरे युग जो बनते हैं जमाने बनते हैं, वो एक एक लम्हों से बनते हैं, सेकंड 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 मिलकर बनते हैं। तो वक्त आपका जाया नहीं होना चाहिए, आपके वक्त का अच्छा इस्तेमाल करो। आप किसी को रोड पे मजदूरी करते हुए देखो, किसी की गाली सुनते हुए देखो, किसी जगह नौकरी करते हुए देखो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जिसका जो होना वो होता रहेगा, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आप समझ लीजिए ध्यान भटकेगा आपकी जिंदगी में भटकेगी। बहुत ही कीमती बातें कर रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह कबूल करे और अल्लाह हमें तौफीक भी दे कि उस पर हम अमल करें।